तो ये बच्चा आगे तो मेरा ब्लॉग बना रहा होता है, ये हमें चाय शायद बना के देते हैं, हमारे सामान भी ला के देते हैं। थैंक यू दैन, आप डेली मेरे जो है कैमरा मैन घूमते हैं। तो अच्छा, जुम्मे के दिन मैं आप लोग बता रही थी कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि सैटरडे संडे दो दिन का ऑफ आ रहा होता है, और ऑफ की जो खुशी होती है ना वो ऐसी खुशी होती है जिस तरह स्कूल गोइंग बच्चों को जुम्मे को छुट्टी होती है वैसी वाली खुशी होती है। तो अभी डे एंड हो चुका है, आज मैंने करनी थी पॉडकास्ट लेकिन किसी वजह से मैं वो पॉडकास्ट नहीं कर सकती हूँ। इंशाल्लाह दोबारा किसी वीक में मैं इसको जरूर पॉडकास्ट प्लान कर दूँगी कि मैं एक प्रॉपर एक पॉडकास्ट करूँ, लेकिन आज का जिस तरह का सिनेरियो हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो अभी ऑफ भी हो गया है, पूरा दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैं आप लोगों से ये बात कर रही थी कि पॉडकास्ट मैंने करनी थी और मैंने पूरा दिन उस वजह से ब्लॉगिंग भी नहीं की कि मैंने पॉडकास्ट करनी है, लेकिन वो पॉडकास्ट मैं नहीं कर सकी और वो मैं इस वजह से नहीं कर सकी। वजह नहीं बता सकती लेकिन बस नहीं कर सकी, और मेरे पास अभी कोई कॉन्टेंट अवेलेबल नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इस तरीके के छोटे मोटे मैसेज आप होते रहते हैं और मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। रात के 3:30-4 बज रहे हैं तो मैंने कहा अपना ब्लॉग जो है इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ऑफ टाइम हो गया है, सब घर जा चुके हैं और मैं भी अपने घर को निकलने लगी हूँ। घर चलते हैं, जरा को उठाएंगे, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। शाम में मैंने कहीं जाना है और इस वीकेंड दुनिया इधर से उधर हो, मैंने पॉलर जरूर जाना है क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से ना मैं पॉलर नहीं जा पा रही हूँ। ना जाने की वजह यह है कि संडे वाले दिन पूरा दिन सोते रहना, शाम में सोते रहना, लेट नाइट उठना और तब तक सब कुछ बंद हो जाता। तो अभी हमने इस वीकेंड पॉलर जाना है, प्लस मैंने शरार की यूनिफॉर्म लेना है, अपनी मैंने ना कुछ ऑफिस की चप्पलें वगैरह लेनी है, तो ये सारे कुछ काम वगैरह है। ऐसा सच कुछ काम नहीं है लेकिन बस यार ये कुछ है कि आज मेरी थोड़ी सी वीक है वीकेंड की, ऐसा सच कुछ खास प्लान नहीं है कि शायद कि बाहर चले जाएँ खाना वगैरह खाने, और मैंने सैलून वगैरह जाना है, कुछ काम वगैरह करने हैं, अपने बॉर्डर की कुछ सर्विसेज वगैरह लेनी है क्योंकि मेरा कलर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था, 2-3 लोगों ने कहा है। असल में मुझे एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, बीच में मेरी एक्ने रुक गई है लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होना शुरू हो गई है। अभी ये है कि यार इसके भी कुछ मेरा कुछ प्लान है कि स्पेशली ब्लीच वगैरह में कुछ करवा लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कुछ किया हुआ नहीं है। बाकी इस टाइम कुछ है नहीं कुछ खास मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, लेकिन ये है कि अभी बस वेली बैठी हूँ, मैं कोई भी नहीं है मेरे पास। बाकी चले घर चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं घर, लेकिन मैंने कहा जाते जाते चले थोड़ी बहुत बच्चों से बातचीत करते हैं। तो आज मैंने सोचा है मैं बच्चों से लड़कों से खास तौर पर पूछती हूँ, लड़कियों से भी बात करेंगे, लड़कों से पूछती हूँ कि वो लोग सॉरी का वर्ड क्यों नहीं बोलते हैं, चाहे वो उनकी अम्मी हो, अम्मियों को तो फिर छोटी उम्र में लड़के बोल ही देते हैं, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं चाहे उनकी बेगम हो, चाहे उनकी फ्यौंसी हो, चाहे उनकी बहन हो, गलती भी हो तो वो अपॉलोजाइज नहीं करते हैं, सारे नहीं है लेकिन कुछ कर भी देते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? उनसे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वाकई ऐसी रियलिटी में कुछ है या ये सिर्फ बात ही मशहूर है। तो चलें चलते हैं। वालेकुम, कैसे हो आप सब? वीकेंड स्टार्ट हो गया? यस। कैसा क्या प्लान है वीकेंड का? खयाम क्या प्लान है वीकेंड का? मैम गांव जा रहा हूं। गांव जाना है? गांव जाना है। आपने वीकेंड पे ये करना है साथ? ठीक है, आपके क्या प्लान है वीकेंड के? वीकेंड पे ये बस सोना है, ये हफ्ता पूरा आराम से सोएंगे, नींद पूरी करेंगे और कुछ नहीं करना। आपके क्या प्लान्स हैं? मैंने जाना है सोना, नाश्ता करना, फिर उठ के इधर संगियों के साथ। ओके, आपके क्या प्लान्स हैं वीकेंड के? नाना सोना बस, सोना और खाना है। और आपके? बस सोना है। अच्छा, लड़कों के मेरे ख्याल से ज्यादातर यही प्लान होते हैं, खाना है और सोना है। अच्छा, और कोई मतलब फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना? फैमिली को है नहीं, मतलब फैमिली को कहीं बाहर लेके जाना, घुमाना, फिर आना। मैरिड कौन कौन है आप में से? अच्छा, खयाम तो आपका वीकेंड के कुछ प्लान्स डिफरेंट होते होंगे? यस, फैमिली को आपको टाइम देना पड़ता है। लड़ाई होती है बेगम से? हाँ लड़ाई होती है, अभी तो बेटा भी है माशाल्लाह। तो फिर लड़ाई होती है हफ्ते में कितने कितने क्या मतलब एक महीने में कितनी दफा लड़ाई होती है? नहीं कितनी दफा होती है मेरा सवाल ये है। मनाता? अच्छा, मनाता कौन है? अच्छा चले, मैं सारे लड़कों से ना, अच्छा सारे लड़कों से मैं एक सवाल पूछूंगी, यहाँ पे ऑनेस्ट जवाब देना है, ठीक है? और एक बार एक एक करके देना ताकि जो है आवाज जो है ना कैमरे में सही आए। प्लीज ये फैन ऑफ कर दें,
तो मेरा सारे लड़कों से ये सवाल है कि अक्सर ये चीज़ होती है, सुनी है मैंने, सारे लड़के एक जैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैंने ये चीज़ सुनी है कि लड़कों की अगर गलती भी होती है तो उनको सॉरी बोलते हुए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और ख़ास तौर पे कि जब वो मैरिड हों और उनकी आगे वाइफ हो, तो इस बात में कितनी रियलिटी है, ऐसा होता है क्या? चले जिनकी जिनकी हुई भी है तो ये बात सच्ची है कि लड़की अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करते, मतलब होती है ये मर्दों में चीज होती है, मेल साइड पे ईगो प्रॉब्लम होती है, तो मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप लोग इस चीज को एग्री करते हैं कि लड़के अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट करते, लड़कियां नहीं करती। लेकिन मैंने ये चीज़ सुनी हुई है क्योंकि हमारे पाकिस्तानी माशरे में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लड़की अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये चीज़ एक हम हमेशा से सुनते आए हैं, हमारे घरों में भी चीज़ होती है कि यार एक नहीं बस एक्सेप्ट नहीं करनी, बस जो भी गलती है ठीक है, बस थोड़ा अपने किसी एटीट्यूड से शो करा दिया कि हमें उस गलती का एहसास है, हमने जो मिस्टेक की है, लेकिन मुँह से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ख़ास तौर पर जब घर की बात आ जाती है, लेकिन अगर कहीं बाहर का कोई मैटर होता है ऑफिस का या कहीं और साइड पे, वहाँ हम फिर भी अपोलोजाइज कर लेते हैं, ऐसा आप लोगों को लगता है कि ऐसा है? मेजोरिटी हाँ, पाँचों उंगलियाँ तो बराबर नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ होती है। चले आप सबसे मैं एक चीज पूछती हूँ कि आप सबने फर्स्ट जॉब जब करना स्टार्ट की, तो अक्सर मर्द होते हैं जो कमाने निकलते हैं बड़ी छोटी छोटी उम्र में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, आप सब में से काफी बच्चों को मैं जानती हूँ, उनका बैकग्राउंड भी जानती हूँ, मुझे पता है वो कब से काम कर रहे हैं क्या है, लेकिन आप लोगों ने क्यों जॉब करना पहली जॉब स्टार्ट की, और पहली जॉब की फर्स्ट सैलरी क्या थी और एज क्या थी जब आपने जॉब करना स्टार्ट की? तो सबसे पहले हम खयाम से स्टार्ट करते हैं, खयाम जब आपने जॉब करना स्टार्ट की तो आपकी एज क्या थी और फर्स्ट सैलरी क्या थी आपकी? मेरी एज उस वक्त थी 17 years, 17 साल के थे आप? 17 में जॉब स्टार्ट की थी ना, तो मेरी रेट ऑफ बर्थ 2000 ठीक है, और आपकी सैलरी क्या थी? सैलरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो मेरी 27,000। वाह ये तो अच्छी थी, 27,000 में। आपने मतलब जॉब शौकिया स्टार्ट की थी या आपको ये हुआ कि यार मुझे जॉब स्टडी थोड़ा सा, मतलब आपने अपने आप को अपना खर्चा खुद उठाने के लिए, तो आपका नाम क्या, अपना नाम बताया? आपने जॉब क्यों स्टार्ट की और किस एज में स्टार्ट की थी और क्या आपकी सैलरी थी फर्स्ट? कितनी थी? 21,000। और एज क्या थी आपकी? और जॉब करना क्यों स्टार्ट की थी आपने? आपको था कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, लड़कों में ये चीज़ होना काफ़ी अच्छी बात भी होती है कि वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहें, और मुझे ऐसा लगता है कि लड़के अगर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो पेरेंट्स को भी उनको नहीं रोकना चाहिए क्योंकि वो कमाते हुए ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, चले थैंक यू फॉर योर टाइम। मेरा चैनल सर्च किया जा रहा है, देखो सारी फैन फॉलोइंग ने मेरे अपने ऑफिस में, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी। समी कितना टाइम हो गया आपको हमारे साथ ऑफिस में? कितने मंथ? 3 मंथ। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि लड़कों के बारे में मैंने अक्सर सुना है कि वो अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट अगर कर भी लो, उनको पता भी हो कि हम यहाँ गलत हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मानते नहीं है उसको, तो क्या ये रियलिटी में ऐसा होता है या सिर्फ ऐसी बातें हैं? ये लेकिन आपने सोसाइटी में ये चीज देखी है कि लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं लड़के? हाँ सोसाइटी में होते हैं ऐसे, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ईगो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। चले थैंक यू फॉर योर टाइम। लड़कियाँ भी कम नहीं है? लड़कियाँ क्या कहती है लड़कियाँ? लड़कियों की गलती होती है, लड़के बेचारे मासूम होते हैं। नहीं आपके साथ ये है ऑफ कैमरा। मासूम है। मासूम है।
ओके है यार, चलो वीकेंड्स के थोड़े से प्लान्स पूछते हैं। सबने अपने अपने रिमार्क्स दिए हैं, दिल पे नहीं लेने, पर्सनल नहीं लेने, हर किसी का अपना अपना फीडबैक होता है। तो अभी चलते हैं और इन लोगों से गपशप लगाते हैं, इनसे पूछते हैं कि वीकेंड्स के इन लोगों का क्या प्लान है। आइए जरा जी सर, क्या प्लान है ट्रेन की? क्या ये दोनों मेरी ट्विन्स हैं, मलाइका एंड सवेरा। सवेरा को मैं मलाइका कहती हूँ और मलाइका को मैं सवेरा कहती हूँ, लेकिन खुद ही समझ जाती है मैं किससे बात करना चाह रही हूँ। तो क्या प्लान है ट्रेन की, क्या करना है? वीकेंड प्लान बिकॉज हमने शिफ्टिंग की है, तो मामा के साथ कुछ हेल्प आउट करना है, घर की सेटिंग वगैरह इस तरह का, और कुछ शॉपिंग वगैरह पे भी जाना है। तो मुझे सैलरी भी आएगी ना, सैलरी भी आएगी, बाबा ने कहा था कि हमने आपको ट्रीट देनी है सबको। अच्छा, तो उन्होंने कहा सही है, इस्लाम आबाद चली जाएंगे। आपका क्या प्लान है? बस यही प्लान है। हो चुकी है लेकिन वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, जिस वजह से हर चीज कैंसिल हो जाता है। तो बस हुआ ये कि नेक्स्ट वीक लैंड स्लाइडिंग रुक जाए, एक हफ्ते के लिए रुक जाए, हम मोबाइल फिर बेसिक स्टार्ट। क्या प्लान है ट्रिप के लिए? परमिशन मिल गई है? लड़कियों को भी परमिशन की प्रॉब्लम होती है, आपको मिल आपके लिए लड़कों के लिए तो टेंशन नहीं है, लड़कों को भी पूरी करनी चाहिए। आप भी मामा को देते हैं? नहीं, मैं तो अपने पास रहता हूँ फिलहाल।
तो घर कुछ भी नहीं देते आप? हाँ घर देते हैं लेकिन अम्मी को नहीं देता। हाँ देते हूँ अम्मी को देते। फोन कभी स्नैच हुआ आप से किसी का? शुक्र कभी नहीं हुआ। तो फर्स्ट सैलरी से क्या सोचा हुआ था कि यार अभी माशाल्लाह आप लोगों की तो फर्स्ट जॉब है दोनों की है, तो कुछ प्लान किया हुआ था कि फर्स्ट सैलरी आएगी तो ये काम करना है? कुछ भी नहीं क्योंकि शॉपिंग भी हमने की सब कुछ हमारा पूरा था, जरूरत ही नहीं थी। कल हम गए तो बस सैलरी मम्मा को दे दी। क्या अम्मी की क्या आगे से अम्मा के फेस के एक्सप्रेशन क्योंकि उलाद क्योंकि मैं खुद हूं ना बेटियां बेटियां हां वही फिर कल वाला टॉपिक आ जाएगा हमारा तो कुछ भी बहुत ज्यादा क्या कहती है? कहती है कि बस अल्लाह ऐसे ही कामयाब करे तुम लोग को और खुश रहो तो बस हम भी खुश होगी मम्मा भी खुश होगी। वो जो अपनी कमाई की लड़कियों के लिए खास बात जो एक बात होती है ना कि यार जो खुशी होती है, मैंने बताया भी था कि हफ्ते वाले दिन में फंडे वाले दिन में सोने लगी और सोते सोते जो है एकदम से ना मैं मेरा आज मोबाइल का मैंने कहा बस मैं मोबाइल ऑफ करती हूँ और मैं रखती हूँ और मैं सोंगी तकरीबन कुछ 11:30 बजे का टाइम हुआ था। उसके बाद एकदम से जैसे मैं मोबाइल का रखने लगी तो मुझे ऊपर मैसेज आया कि इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है सैलरी क्रेडिट ना, और यकीन जानते तो खुशी थी मुझे जब मुझे 5 साल हो गए नौकरी करते करते हर महीने मेरी 10 तारीख 11 तारीख को तनख्वाह सैलरी आती है तो वो खुशी मैं फील कर चुकी हूँ लेकिन उसके बाद मैं खुशी से नींद नहीं है। ऐसे ही होता है और मैं 2:30 बजे में जाके सोई हूँ जबकि मैं अभी बच्चों वाली एज स्टेज में भी नहीं हूँ कोई बहुत ना टीनेज आपकी होती है फर्स्ट सैलरी सेकंड सैलरी होती है उसमें भी इतनी खुशी। तो मैं कहती हूँ कि यार जो सैलरी क्रेडिट का जो एक मैसेज आता है ना वो सबसे फेवरेट मैसेज होता है, मेरा सबसे फेवरेट मैसेज वही होता है तो लड़कियों के लिए बड़ी वो चीज़ होती है। आज क्या खाया ब्रेक में आप बोल रहे तो चले फिर कर लेते हैं आज ब्लॉग। मैंने कहा था ना क्लिप्स नहीं बने रहे फिर भी ब्लॉग मेरा नहीं बना हुआ था लेकिन बस बैठे बैठे अभी बैठे हुए थे किसी की भी गाड़ी नहीं आई थी गपशप हो रही थी मैंने कहा आप लोग के लिए रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। पहले आप मेरे ब्लॉग में आते हैं शोहू जिन लोगों को देखते थे अब ये लोग भी आना शुरू हो गए हैं उनको भी देखते रहेंगे। असल में लोग बहुत हो गए हैं लेना चाहूँ तो बहुत लोगों को ले सकती हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी की भी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। आप लोग अगर अपनी खुशी से आता है और किसी को कोई इशू नहीं होता तो वो सर्विस मिल रहा है मुझे खुशी होती है। अगर जो भी आता है कहते हैं मैंने ब्लॉग बनाना है या मेरे साथ बैठते हैं गपशप लगाते हैं तो मुझे उस चीज में मुझे कोई मसला नहीं होता तो मैंने कहा चलो एक पिक्चर लेते हैं। चलो मोहित अब आज मेरा कैमरा में थोड़ा सा चेंज हुआ था एक अच्छा था उठा था मैंने कैमरा पकड़ यार माशा जी ऑल आर वेरी सपोर्टिव बड़ा खुश होते हैं और मुझसे आके मेरे अपने ऑफिस के बच्चे मैं इनको नहीं बताती हूँ जो मेरा यूट्यूब चैनल है या मैं वीडियोज बना रही हूँ लेकिन खुद से मेरे पास आता है मुझे कहते हैं मैडम अपने चैनल का नाम बताया मुझे सब्सक्राइब करना है मुझे बड़ी खुशी होती है। तो अगर वो मेरा ये वाला ब्लॉग देख रहे हैं थैंक यू इसी तरीके से बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाए और आज ब्लॉग को वैसे पिछले क्लिप में ऐड कर चुकी थी लेकिन अभी दोबारा से ब्लॉग को ऐड करते हैं कल मिलते हैं ब्लॉग में अल्लाह हमारी भी है पता नहीं पॉकेट में कुछ चीज डाली हो पॉकेट किसकी होती है कुछ चीज डाली हो कुछ चीज निकाली तो आप ऐसे फोन के लिए ना पॉकेट ये तो नहीं ना कि आप यूं पड़ा रहे मैं कैसे करूंगी क्या कर लो मेरी जेब में मेरी मर्जी।